everyone, you are watching MSc Gyan. I am Jyoti. Today I am going to explain about you facing. Facing for future tense. Iska form hai object plus will shall be plus verb ka third form plus object extra. Future tense ka use matlab vakya ke ant mein matlab hamare future mein ga vakya ke ant mein ga ki ke aadi ka use kiya jata hai. इससे हम आगे आगे बढ़ेंगे. इससे एग्जांपल फर्स्ट उसे स्कूल में परेशान कर दिया जाएगा. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. ही विल बी इसका हेल्पिंग वर्ब परेशान किया हैरेस इन स्कूल. ही विल बी हैरेस इन स्कूल इसका अफर्मेटिव सेंटेंस था. अब इसी का नेगेटिव इसी का सेकंड एग्जांपल दिल्ली में इमारत का निर्माण कर दिया जाएगा. तो इमारत के लिए बिल्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब विल बी वुड. निर्माण करने के लिए वुड का वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वुड इन दिल्ली. दिल्ली में इमारत का निर्माण कर दिया जाएगा. तो इसी का बिल्डिंग इसी का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल बी निर्माण करने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म वुड का पुल्ट हो जाएगा इन दिल्ली. इसी का थर्ड एग्जांपल उसे अब प्रेरणा नहीं दिया जाएगा. तो उसे ही इसका हेल्पिंग वर्ब है ही विल बी ही विल नॉट इसका नेगेटिव है. तो उसे अब प्रेरणा नहीं दिया जाएगा. तो ही विल नॉट बी प्रेरणा के लिए स्पैर ना. ही विल नॉट बी स्पैर ना इसका फोर्थ एग्जांपल क्या उसे पढ़ाई में सुधार करा दिया जाएगा. इंटरनेटिव सेंटेंस है ये. क्या will he will he be will he be सुधार के लिए प्रूव एंड प्रूट इन रेट क्वेश्चन मार्क क्या उसे पढ़ाई में सुधार करा दिया जाएगा. तो क्या के लिए विल ही बी इम्प्रूव्ड इन रेड पढ़ाई के लिए. इसका पांचवा एग्जांपल मेरा प्रश्न क्यों सही कर दिया जाएगा डब्ल्यूएच में. व्हाई watching MSc Gyan for latest updates please subscribe like share thank you.